शिक्षकों को यूज़ कर रही है, उनको मानसिक, उनको शारीरिक, उनको फाइनेंशियली हर तरीके से परेशान किया जा रहा है शिक्षकों को। संघ उतना प्रभावी नहीं है जितना होना चाहिए, और एक तो संघ देर से जो है जागा। देखिए, वो जब तक रहे उन्होंने बहुत सारे अच्छे चेंजेस भी लाए, थोड़ा सा हम कहेंगे कि उनको थोड़ा सा मतलब टीचर की भी कंडीशन को समझना चाहिए। वो तो पलटू बाबा आप कुछ भी कर सकते हैं, पलट के इधर पलट के उधर। मुख्यमंत्री का कोई अधिकारी सुनता नहीं है, और मुख्यमंत्री जी जो भी आदेश देते हैं उसका पालन भी नहीं होता है। बच्ची जो है ये रो रही है। एग्जाम नहीं लेना चाहिए। एग्जाम क्यों नहीं लेना चाहिए था सर, सक्षमता की बात आ गई है। देखिए, हम लोग को भी बहुत है कि कंप्यूटर की जानकारी भी है और बहुत को दिक्कत भी है, लेकिन ये हायरिंग ही सरकार की गलत थी। तो उस गलत जो उन्होंने शुरू में काम किया था उसकी भरपाई एग्जाम के थ्रू ये कैंडिडेट को जो परेशान किया जा रहा है, इसमें सारी गलती सरकार की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज़ और मैं हूँ यति आपके साथ। तमाम विवादों के बीच नियोजित शिक्षक जो हैं वो आखिरकार परीक्षा देने आए। इनमें से ऐसे बहुत हैं जिन्होंने अपना एडमिट कार्ड तक जला दिया, वो परीक्षा नहीं दे रहे हैं। तो हम अभी नियोजित शिक्षकों के बीच ही हैं जो परीक्षा सेंटर पर मौजूद हैं, और इनसे हम जानेंगे कि परीक्षा को लेकर ये क्या कुछ अपना जो विचार है वो रखना चाहते हैं। सर, परीक्षा को लेकर क्या कहेंगे? परीक्षा को लेकर क्या कहेंगे, परीक्षा तो देना ही था नियोजित शिक्षक को। और सबसे बड़ा समस्या है कि शिक्षक शिक्षिका के लिए कि ऐच्छिक हस्तांतरण, जो 15 साल 20 साल नौकरी कर लिया है एक जगह रह करके, घर मकान बना के बस गया है, उसके लिए तो समस्या है, तो महिला के लिए समस्या है। हाँ, और परीक्षा देना कोई बड़ी बात नहीं है, परीक्षा सरकार ले। क्या इसके पीछे राजनीति हो सकता है, परीक्षा जो लिया जा रहा है क्योंकि चुनाव आने वाला है, इस बीच देखिए परीक्षा लेने लगे हैं लोग? राजनीतिक भी हो सकता है, राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकता है। सरकार ठगने का काम कर रही है क्या टीचरों को, ये हम नहीं बता सकेंगे। इधर देखिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं जो बीपीएससी की जो बहाली निकली उसमें कहते हैं हमने नौकरी दी। इधर तेजस्वी यादव कहते हैं हमने नौकरी दी। वो तो पलटू बाबा आप कुछ भी कर सकते हैं, पलट के इधर पलट के उधर। हाँ, वो मुख्यमंत्री के बिना तो कुछ होता नहीं है सर। वो तो कुर्सी बाबू हैं, उनको तो कुर्सी बाबू हैं, उनको कुर्सी चाहिए जिधर भी जाए, कुर्सी के प्यारे हैं। हाँ, वो नीतीश बाबू कुर्सी के प्यारे हैं। सर, आप परीक्षा देने आए हैं, क्या कहेंगे परीक्षा को लेकर, कैसी तैयारी है? तैयारी जो भी है ठीक है, लेकिन सेंटर इतना दूर दे दिया है, बहुत परेशानी है। कहाँ से आए? जमुई से आए हैं। बताइए, से बच्चों को पढ़ाते थे और अब आप ही लोग से परीक्षा ली जाए? जी, ये तो गलत है। गलत है ये, क्या परीक्षा से डर नहीं लग रहा? परीक्षा से उतना डर नहीं है, परीक्षा ले, लेकिन ये तरीका गलत है। परीक्षा देने आए सर? दिलाने किसको दिलाने आए? वाइफ को दिलाने आए। क्या लगता है कहाँ से आए आप, पहले ये बताइए। फारबिसगंज। इतनी दूर सेंटर दिया है, इस पर क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री का कोई अधिकारी सुनता नहीं है, और मुख्यमंत्री जी जो भी आदेश देते हैं उसका पालन भी नहीं होता है। तो अब उनको छुट्टी हो गई के पाठक, जिसमें बताइए। हाँ, के पाठक का सुने हैं कि जो है वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए हैं, तो टीचर के लिए तो अच्छा होगा। कैसे टीचरों के लिए अच्छा होगा? अच्छा यही होगा कि विभाग से जो है कई तरह के बयान दिया जाता था, जैसे कभी कुछ कभी कुछ, 8 बजे खोलिए, 8:30 बजे खोलिए। टाइमिंग को लेके काफ़ी विवाद हुआ। टाइमिंग के लिए है, बहुत सारे विवाद है। परीक्षा देने के बाद मान लीजिए सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है, व्यर्थ चला जाए तो? अब फ्यूचर क्या होगा ये तो हम नहीं बता सकते हैं। सरकार को जो है टीचर के फेवर में लेना चाहिए, काम करना चाहिए। पढ़ाता तो है ही, ऐसा नहीं है कि टीचर पढ़ाते नहीं, टीचर तो सभी बच्चे को पढ़ाते हैं। लेकिन पढ़ाने के विभाग के द्वारा जो है किसी तरह का जो है पड़ताड़ना नहीं होना चाहिए। संघ वाले मसले पे आप क्या कहेंगे सर? संघ वाले लोग कह रहे थे परीक्षा मत दीजिए, कई लोगों ने एडमिट कार्ड जला दिया, इसके बावजूद भी परीक्षा केंद्र पे आप देख सकते हैं लोग मौजूद हैं। संघ उतना प्रभावी नहीं है जितना होना चाहिए। एक तो संघ देर से जो है जागा, और प्रभावी नहीं है, सब दे ही रहा है एग्जाम। यहाँ पे और भी लोग हैं, आप देख सकते हैं छोटा बच्चा जो ये भी है। सर, आप एग्जाम दिलवाने आए हैं? हाँ। अपनी वाइफ को? हाँ। आप देख सकते हैं बच्ची है साथ में, आप देखिए ये सड़क किनारे जो है लेटी है, और इस पर क्या कहेंगे सर, आप सरकार को क्या कहेंगे, आपको इतनी समस्या हो रही है? ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्ची जो है ये रो रही है। एग्जाम नहीं लेना चाहिए। एग्जाम
क्यों नहीं लेना चाहिए था सर? सक्षमता की बात आ गई है कि सक्षम नहीं, आपकी वाइफ है तो कितने साल से वो है कार्यकाल में? लगभग 15 साल से। 15 साल से है। हाँ। और इस बीच अब इस तरीके से परीक्षा ले जा रही है। हाँ। सरकार का क्या है मनसा, आप क्या सोचते हैं सरकार क्यों ऐसा कर रही है? सरकार को ऐसा तो करना ही नहीं चाहिए, ऐसे ही राजकर्मी का दर्जा दे देना चाहिए। जो औरत, जो लेडीज टीचर है उसको तो और परेशानी हो रही है, जो जिसका छोटा छोटा बच्चा है, जैसे देख लीजिए। हाँ, यही सब बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे छोटी बच्ची जो है यहाँ पर सड़क किनारे, इनकी माँ ही है परीक्षा देने। आप सर परीक्षा देने आए हैं? आप परीक्षा देने आए हैं सर? कहाँ से हैं? भागलपुर से। भागलपुर से आए हैं सर, क्या कहेंगे जो परीक्षा ली जा रही है? क्या कहेंगे, मजबूरन देना पड़ रहा है। मजबूरन क्यों? क्योंकि सक्षमता परीक्षा हो रही है, इससे पहले भी आप लोग ने दिया परीक्षा? एकदम दिए हैं, 20 साल से जॉब में है। 20 साल से आप हैं, तो सक्षमता पे सवाल आ गया है। हाँ, तो हम लोग सरकार को क्या लगता है आप लोग सक्षम नहीं है इसलिए परीक्षा ले रही है? सरकार को क्रश करना है, इधर से उधर करना है, मतलब परेशान कर रही है, परेशान कर रही है। चुनाव आने वाला है, इस पे क्या कहेंगे? चुनाव आने वाला है तो उसमें तो बताएंगे हम लोग। इधर नीतीश कुमार कहते हैं कि हम दिए, जो बहाली निकाली गई शिक्षकों की बीपीएससी वाली, कहते हैं हम दिए। इधर तेजस्वी यादव कहते हैं हम दिए। नहीं दिए तो है, दोनों समिति से मिल करके दिए थे सम्मिलित में। क्या कुछ समस्याएं आपको देखनी पड़ रही है परीक्षा देने आए हैं? समस्या तो पूरी देखनी पड़ रही है। कंप्यूटर से डर नहीं लग रहा आप लोगों को? अंदर ऑनलाइन परीक्षा हो रही है, लिखित नहीं है। ऐसे देखिए, हम लोग को भी बहुत है कि कंप्यूटर की जानकारी भी है और बहुत को दिक्कत भी है, दोनों तरफ। तैयारी के साथ आए हैं पूरा? तैयारी क्या करेंगे, रात दिन काम कर रहे हैं तो तैयारी क्या करेंगे? मतलब इधर काम भी करवाया जा रहा है, इधर परीक्षा भी ली जा रही है? एकदम ले रही है। तो क्या फायदा उठाया जा रहा है एक तरीके से शिक्षकों के मन का? एकदम बिल्कुल फायदा उठा रहे हैं, बिल्कुल फायदा उठा रहे हैं। हाँ, पूरा तैयारी करके आई है, कंप्यूटर से डर नहीं लगता है? नहीं। आप लोग भी सर परीक्षा देने आए हैं? नहीं, हम रिसीव करने आए हुए हैं। कौन आया परीक्षा? मेरी बहन आई हुई है। कितने साल? नौकरी पिछले 2 साल से है वो, 2021 में शायद ज्वाइनिंग हुई थी। तो क्या लगता है आपको, सरकार जो परीक्षा ले रही है इस तरीके से शिक्षकों की? देखिए, एक तो उनकी जो नियुक्ति हुई थी, सरकार को उसी समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि अगर हम बीएड को नियुक्ति दे रहे हैं तो उनको प्राइमरी में दे कि हाई स्कूल में दे, यहाँ पे सरकार की गलती है। आप अगर प्राइमरी स्कूल में दे रहे हैं तो JBT है, बी आपका डिप्लोमा टाइप का जो कोर्स होते हैं उनको आप प्राइमरी में भरिए, लेकिन ये हायरिंग ही सरकार की गलत थी। तो उस गलत जो उन्होंने शुरू में काम किया था उसकी भरपाई एग्जाम के थ्रू, ये कैंडिडेट को जो परेशान किया जा रहा है, इसमें सारी गलती सरकार की है। यूज़ कर रही है शिक्षकों को सरकार बिल्कुल शिक्षकों को यूज़ कर रही है, उनको मानसिक, उनको शारीरिक, उनको फाइनेंशियली हर तरीके से परेशान किया जा रहा है शिक्षकों को। सरकार में तो होड़ मची है नौकरी देने को, क्रेडिट को लेकर। देखिए, वो तो चुनाव आने वाला है 2024 में, उसके लिए होड़ मची हुई है, नहीं तो पिछले आज से 1 साल पहले और 2 साल पहले बिहार में पिछले 20-25 साल का रिकॉर्ड निकालिए, बिहार में और राज्यों के कंपेयर में कितने वैकेंसी निकली है और कितने लोगों की हायरिंग हुई है, किस किस डिपार्टमेंट में। बिहार में देखा जाएगा तो 5 लाख वैकेंसी है, क्यों नहीं बिहार सरकार 5 लाख वैकेंसी को फिल कर रही है? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अभी चुनाव आया है तो अभी सारे वैकेंसियाँ फिल करने के लिए अभी होड़ मची हुई है सारे पार्टियों में कि हाँ हमने नियुक्ति की है, राजद कहेगा हमने कहा है, BJP कहेगी। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं, कहेंगे वो, बिल्कुल कहेंगे, वो सरकार में थे, वो सरकार के एक अभंग अभिन्न हिस्सा थे, उप मुख्यमंत्री थे, तो उनका कहना लाजमी है। लेकिन सवाल उठता है क्या ये जनता के लिए किया गया था या चुनाव के लिए किया गया था, ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि जब चुनाव आता है तभी वैकेंसियाँ, तभी रिक्तियाँ क्यों भरी जाती हैं, तो ये जनता जानती है। मैम एग्जाम देने आई हैं? हाँ जी। कहाँ से आई हैं? बांका से। क्या लग रहा है सरकार यूज़ कर रही है एक तरीके से प्रताड़ना कह सकते हैं, शारीरिक मानसिक, क्या कह लगता है? देखिए दोनों चीज़ें मेरे पास मिक्स्ड रिएक्शन है, इसका थोड़ा सा अच्छा भी ये लग रहा है कि इसके बाद राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। फिर भी नहीं मिला तो? हाँ, ये एक चीज़ है, अगर वो मार्किंग पे डिपेंड करता है, नॉर्मलाइजेशन फेयर होना चाहिए सारी चीज़ें, मतलब जो शिफ्ट वाइज एग्ज़ाम हो रहा है सबको देख के सही से नॉर्मलाइजेशन हो, ये चीज़ है। सरकार यूज़ कर रही है कि नहीं कर रही है? चुनाव भी आने वाले हैं, शिक्षक सबसे बड़ा जो सहायक होते हैं वो शिक्षक ही होते हैं। हाँ बिल्कुल, ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है, शिक्षक अभी इलेक्शन की ड्यूटी में भी शिक्षकों को ही लगाया जाएगा, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि शिक्षक तो होड़ मचा रखी है नौकरी का क्रेडिट लेने। नहीं, होड़ मचा रखी है, दे भी रही है नौकरी, थोड़ा सा हर चीज़ में फेयरली काम करे गवर्नमेंट, और अभी हमें होप है कि राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, इसीलिए हम बांका से आए यहाँ एग्ज़ाम देने। भागलपुर सेंटर हो सकता था लेकिन पटना सेंटर दिया गया,
तो हमें एक होप है सरकार से कि इसको एक फेयरली नियोजित शिक्षा के लिए फेयरली यूज करेंगे। इस के पाठक जो इतना एक्शन मोड में रहते थे, आए दिन फरमान चलते थे उनको, उनको तो नीतीश कुमार ने कल बैठक करके हटाया, छुट्टी हो गई उनकी, इस पर क्या कहें? देखिए वो जब तक रहे उन्होंने बहुत सारे अच्छे चेंजेस भी लाए, थोड़ा सा हम कहेंगे कि उनको थोड़ा सा मतलब टीचर की भी कंडीशन को समझना चाहिए। जैसे समय में बार बार परिवर्तन 10 से 4 फिर 9, बड़ा मुद्दा तो यही था जिसपे विरोध चला। हाँ तो ये वही है कि आप एक बार एक मतलब निर्णय लें कि क्या है आपको कितने समय पे स्कूल खोलना है। अगर मान लीजिए स्कूल बंद हो गया तो फिर शिक्षक भी इतने देर बैठ के क्या करेंगे, तो ये भी है। तो देख सकते हैं आप शिक्षक जो है साफ तौर पर ऐसा जो होड़ मचा है सरकार में, और ऐसे चुनाव भी आने वाला है अब इस बीच, सब शिक्षकों का यही कहना है कि एक तरीके से सरकार जो है कहीं ना कहीं यूज़ कर रही है। और अभी के लिए इस खबर में इतना ही, दर्श न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहें दर्श न्यूज़। धन्यवाद।